जय हिंद सबको। आज के 10वें दिन के मेरे फिटनेस व्लॉग में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज सुबह हमने हमारे टीम का 30 मिनट्स का फाटलेक वर्कआउट था, जिसमें मैं आधा घंटा तक साइकिल चला के गया। 20 सेकेंड फास्ट, 40 सेकेंड स्लो वर्कआउट था, और जो है उसके बाद मैंने 30 मिनट्स रनिंग किया, जिसमें 30 मिनट्स में स्ट्राइड्स लगाए 20, 30 मिनट्स रनिंग के मतलब 100 मीटर फास्ट, 100 मीटर स्लो, ऐसे 30 मिनट्स किया। और उसके बाद एक्सरसाइजेस किया एक आधा घंटा, और फिटनेस बढ़ रहा है, इम्प्रूव हो रहा है मेरा फिटनेस। कल 14 किलोमीटर्स वर्कआउट किया मैंने, बहुत दिनों बाद इतना लंबा 14 किलोमीटर्स रनिंग किया। और कल का अगर टीम का रिजल्ट बता दूं तो हमारे टीम से 6 लोग गए थे और 4 लोग प्राइज़ जीत के आए हैं। वसई विरार म्युनिसिपल मैराथन में एलिट कैटेगरी में हमारे अमित पाटिल सेकेंड पोजीशन पे थे, चेतन कश्यप 6वें पोजीशन पे हो गए, 2 आवर 42 मिनट्स उनका पर्सनल बेस्ट टाइमिंग था मैराथन में। और थोड़ा सा पेसिंग गड़बड़ किया उन्होंने, नहीं तो 2:35 के आसपास इजीली बैठता उनका। 3:19 के पेस से उठाया था स्टार्टिंग में ही, पहले 5-10 किलोमीटर 3:20 3:25 के पेस से उठाया था, तो बाद में थोड़ा सा पेसिंग में गड़बड़ी होने की वजह से 2:42 टाइमिंग चला गया। फिर भी अच्छा किया उन्होंने। हमारे नेक्स्ट मैराथन रनर तैयार हो रहे हैं चेतन, तो उनको तैयार कर रहे हैं हम। फिर SKF गोवा रिवर मैराथन में हमारे टीम से 4 लोग गए थे, जिसमें लोकेश बघेल 32 किलोमीटर्स में 3rd पोजीशन पे, धरनी पांडे फुल मैराथन में 4th पोजीशन में प्राइज़ मिला, 5 प्राइजेस थे। सौरभ पाटिल 10 किलोमीटर में 5वें पोजीशन पे, और सूरज प्रसाद 6वें पोजीशन में मैराथन में। तो ये था हमारे टीम का कल का रिजल्ट। और जो है मेरा फिटनेस की बात करें तो इम्प्रूवमेंट बहुत हो रहा है। डेली जो है बर्पीज लगा रहा हूँ, 10 सेट, 5-5 6-6 रिपीटेशन का 10 सेट रोज बर्पी लगा रहा हूँ, और रनिंग ड्रिल्स भी कर रहा हूँ बर्पीज के बीच में। और एक और नया एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस किया है मैंने, वो है फुल स्क्वाट और स्ट्राइड्स डेली लगाना है। तो ये था आज का हमारा फिटनेस व्लॉग। मिलते हैं हमारे अगले फिटनेस व्लॉग में। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।